तो गाइस आ गए हम एक और नई अनबॉक्सिंग के साथ। अच्छा, आपके लिए लाया हूँ आज एक प्रीमियम किटबैग की अनबॉक्सिंग। ये योनेक्स की तरफ से आता है, आप देख लीजिए। ये योनेक्स की तरफ से सबसे प्रीमियम किटबैग है उनका, काफी अच्छा डिजाइन है, अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, लगभग 6 महीने हुए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आपको नए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं इसमें कितना है दम। इस किटबैग की फर्स्ट लुक की बात करें तो आपको एक प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलता है, यहाँ पे 3D लोगो भी देखने को मिल जाएगा आपको। ये किटबैग आपको और भी डिफरेंट कलर्स में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफी अच्छे और अट्रैक्टिव कलर्स हैं। अगर इस किटबैग की फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको एक शू बैग देखने को मिलता था, लेकिन अब योनेक्स ने उसको चेंज कर दिया है। क्या हुई वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने दिया जरूर होगा। अगर किटबैग की दूसरी तरफ की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा सा योनेक्स का लोगो मिलता है, एक प्रीमियम डिजाइन मिलता है। अगर इस किटबैग की बेस की बात करें तो आपको कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलेगा जब आप बैग टांगोगे, तो मुझे यहाँ पे भी कोई शू बैग देखने को नहीं मिला। Here I come. अब की बार योनेक्स वालों ने शू बैग का चेन काफी वियर्ड जगह पे दिया है, बिल्कुल नीचे दिया है। अगर हमें शूज किट बैग के बाहर से निकालना है तो काफी मुश्किल हो जाता है किट में से शूज निकालना। अगर हम किट बैग की टॉप व्यू की बात करें तो आपको कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा। एज यूजुअल इनके स्ट्रैप्स काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, यहाँ पे आपको योनेक्स का लोगो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको एक एडजस्टेबल बकल मिल जाता है, ताकि अगर आप किट में कभी भी हैवी वेट कैरी कर रहे हैं तो ये काफी सपोर्टिव है इसको उठाने के लिए। अगर बाहर से इसकी बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। तो इसके फर्स्ट कंपार्टमेंट को खोल के देखते हैं तो देखते हैं कैसे हैं। तो इसमें आपको ब्लू पैडिंग देखने को मिल जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक नेट टाइप पॉकेट भी दिए है जिसमें आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, जैसे ग्रिप्स वगैरह, पर्सेस एक्सेट्रा। तो इसके सेकेंड कंपार्टमेंट में देखते हैं आपको कितना स्पेस मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा स्पेस है एक योगा मैट और एक फोम रोलर रखने के लिए, और अगर आप बाहर खेलने जा रहे हैं तो इसमें आपके टी शर्ट, शॉर्ट्स और टॉवल वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब इस किट बैग के मिड सेक्शन की बात कर लेते हैं तो खोल के देखते हैं आपको कैसा लुक मिलता है अंदर से। तो कुछ इस तरह का लुक मिल जाता है आपको, यहाँ पे शू बैग का कंपार्टमेंट अलग से दिया हुआ है, तो आप इसे बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं और अंदर से भी कर सकते हैं। अगर इस ब्लू वाले कपड़े की बात करूँ तो मैं एक वाटर रेजिस्टेंस कपड़ा है, अगर आपकी बोतल कोई भी रखी हुई है इस कंपार्टमेंट में और वो लीक हो जाती है तो वो दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा पानी। ये काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट है तो इसमें आप अपनी टी शर्ट वगैरह, अपनी बोतल, वाटर बोतल और काफ़ी सारे एक्सेसरीज कैरी कर सकते हैं। मैं इसमें यूजुअली अपनी मल्टी शटल कैरी करता हूँ और साथ में एक ट्राईपॉड भी होता है। एज ए क्रिएटर मैं अपनी बात बताऊँ तो ये कंपार्टमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम चलते हैं अपने फाइनल कंपार्टमेंट की तरफ, वो है रैकेट कंपार्टमेंट। इसमें आपको इंसुलेशन पैडिंग देखने को मिल जाती है, आप सबको तो पता ही होगा इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसके लिए योनेक्स ने इंसुलेशन पैडिंग दी है जो आपके रैकेट के फ्रेम के साइज़ को एज इट इज़ मेंटेन करके रखेगा। तो इस कंपार्टमेंट के साइज़ की बात करूँ तो इसमें आप 9 रैकेट्स तक रख सकते हैं जो कंपनी क्लेम करती है, मैं तो सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें कितने कवर रखते हैं, तो आपका साइज़ कम हो जाएगा। विक्टर को तो आप जानते ही होंगे, देख लो आप कैसा लगेगा ये किट बैग टांगने के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक है अब की बार 500 लाइक्स हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मैं ही ऐसे फ्यूचर में वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।